इसके ना कैमरा क्लैरिटी मुझे थोड़ी सी वो लग रही है कि बेटर होनी चाहिए थी। क्या हुआ? ओ भाई, हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। यार आज हम लोग बात करने वाले हैं हाई क्रॉस या फिर बोले इनविक्टो की। दोनों गाड़ियों का मुझे माइलेज देखना है कि ये माइलेज कैसा है। चाहे हम चेक करें हाई क्रॉस को, चाहे हम चेक करें इनविक्टो को, दोनों की माइलेज ऑलमोस्ट बराबर ही आने वाली है क्योंकि दोनों गाड़ियों में सेम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, दैट इज़ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। इस टाइम मेरे साथ है हाई क्रॉस VX या फिर हम इनविक्टो का जेटा या अल्फा भी लेके आ सकते थे। दोनों में मतलब कोई फ़र्क नहीं है, इंजन सेम है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी सेम है जो टोयोटा से ली गई है। तो आज हम इस गाड़ी को काफ़ी अच्छा खासा भगाने वाले हैं, दौड़ाने वाले हैं। कुछ सिटी में भी चलाऊंगी, कुछ हाईवे पे भी चलाऊंगी, कुछ 500-600 किलोमीटर चला के देखते हैं गाड़ी को और फिर देखते हैं कि ये गाड़ी जितना कंपनी में प्रॉमिस कर रही है, अराउंड 23.24 KMPL की वो बोल रही है, उतना ये देती है रियल टाइम में या उसके आसपास भी नहीं है ये? तो चलिए देखते हैं कंपनी हमसे सच प्रॉमिस कर रही है या सब कुछ बकवास ही है। आइए। चलिए अब हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पे और गाड़ी मेरी फुल ही है, लेकिन इसको और फुल करा लेते हैं, ऑटो कट पे इसको ले आते हैं ताकि प्रॉपरली हम इस कार की माइलेज को टेस्ट कर सकें। भैया फुल कर दीजिए ना और ऑटो कट पे छोड़ देना। नॉर्मल पेट्रोल है ना? पेट्रोल है, हाँ नॉर्मल पेट्रोल। वैसे तो हमारे पास काफ़ी सारे और ऑप्शन होते हैं यहाँ पे स्पीड वगैरह, लेकिन मैं नॉर्मल पेट्रोल पे ही बिलीव करती हूँ। बोलते हैं आपकी काफ़ी ज़्यादा माइलेज बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, नॉर्मल इज़ गुड। 866.61, 8.96 लीटर्स। यार सबसे पहली चीज़ आपको इस गाड़ी के बारे में बताना चाहूँगी कि बिकॉज ऑफ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, ये जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो आपकी बैटरी पे होती है। जब आपने गाड़ी को, जैसे मैंने अभी फ्यूल के लिए इसको रोक रखा था, तो मेरी कार ऑटोमेटिकली बैटरी के ऊपर चली गई। बहुत ही ज़्यादा साइलेंट और बहुत ही ज़्यादा होता ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कार आपकी स्टार्ट है। अब ये आ गई है गाड़ी इंजन के ऊपर, जैसे आप इसको रेव करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, और अब हमारी बैटरी और हमारा इंजन दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। ट्रिप हम यहाँ पर ज़ीरो कर चुके हैं, अब इसको चलाते हैं कुछ सिटी में, कुछ हाईवे पे, इधर उधर भगा के दौड़ा के देखते हैं गाड़ी को कि भैया हमें क्या माइलेज देती है। और एज़ पर सम ऑफिशियल्स हम बोल सकते हैं, या जिन लोगों ने गाड़ी को चलाया है उनसे हमने जो बात की है, उससे मेन चीज़ ये आई है सामने कि सिटी में गाड़ी की ड्राइव जो है और जो माइलेज जो इसकी है वो आपको ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू हाईवे बिकॉज ऑफ रीजनरेटिव सिस्टम, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। आपको पता है कि जितना आप गाड़ी को ब्रेक करते हैं, गाड़ी को रोकते हैं, उतना ही आपका एनर्जी रीजनरेशन होता है, बैटरी आपकी रिचार्ज हो जाती है, तो उसकी वजह से आपको माइलेज ज़्यादा मिलती है। हाईवे पे इतना ब्रेकिंग हमारी यूज़ होती नहीं है, तो उसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा माइलेज नहीं मिलती है। तो उसको प्रॉपरली टेस्ट करने के लिए ना, उस सिस्टम को प्रॉपर हमें समझने के लिए, हम इसे सिटी के अंदर भी चलाने वाले हैं, मैं इसको हाईवे के ऊपर भी चलाऊंगी, और क्लब अप करके जो हमारी एक प्रैक्टिकल ड्राइव होती है कई बार कि हम थोड़ा सा यहाँ गए, बीच में थोड़ा सा हमारा हाईवे आ गया। जैसे अगर मैं सपोज़ दिल्ली टू गुड़गांव जाती हूँ तो मेरा सिटी भी आता है, फिर मेरा बीच में मेरा हाईवे आ जाता है, तो मेरी क्लब अप करके मिक्स करके कितनी एवरेज आती है वो हम बात करेंगे। और अच्छे खासे किलोमीटर भगाने वाली हूँ आज मैं, ऐसे थोड़े से मैं नहीं छोड़ेंगे, ताकि आपको बहुत फेयर हम एक नंबर बता पाएं कि यस जो हमारी इनविक्टो है या फिर हमारी जो हाई क्रॉस है वो आपको कितना माइलेज देती है। अब देखिए इस टाइम पर सिटी में हालत देख लीजिए, पूरा ट्रैफिक से भरा हुआ है सब कुछ, फुल ऑन पैक है ये, और यहाँ पर आपको ये पूरा सिस्टम दिखा रहा है कब मेरा इंजन और मेरी बैटरी साइमल्टेनियसली काम कर रही है, कब मेरी सिर्फ बैटरी काम कर रही है। अब हमारी कार 185.6 किलोमीटर हम लोग ड्राइव कर चुके हैं और फ्यूल की जो हमारी सुई है वहां थोड़ी सी कम हुई है, तो मुझे लग रहा है यार माइलेज तो अच्छी देगी। यार इसके ना कैमरा क्लैरिटी मुझे थोड़ी सी वो लग रही है कि बेटर होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस प्राइस में गाड़ी आ रही है ना उसमें कैमरा तो अच्छा देना चाहिए था। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा ख़राब है, लेकिन यस क्वालिटी पे HD देना चाहिए था, नॉर्मल है ये। तो मैंने छोटा सा हॉल्ट लिया है, इसमें मेरे को खाने अपने फेवरेट ये और फ्रूट चाट।
अब हमारी कार हो चुकी है 291.3 किलोमीटर, तो बस थोड़ी सी देर में ये 300 किलोमीटर को टच करने वाली है। हाय, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग निकल गए हैं, हो गया है हमारा अगला दिन। और यानी आपकी ब्यूटी देखो, सारी रात यहाँ बारिश हुई है, इतना ज्यादा सुंदर मौसम है। मैं आई हुई थी देहरादून की तरफ, मसूरी की तरफ। मसूरी तो हम लोग नहीं गए, थोड़ा सा काम था देहरादून में, वही छोटा सा वाइंड अप करके अब जा रहे हैं वापस। और कितनी ज्यादा सुंदर और ग्रीन जगह है, मतलब ये होता ना जो हमारे हिल स्टेशन है इंडिया के, सिर्फ वहां पर जाना ही सुंदर नहीं है कि वो जगह सुंदर है, वो रास्ता भी बहुत प्यारा होता है, बहुत सुंदर होता है। और मसूरी तो दिल्ली से बहुत ज्यादा पास है, तो आपके छुट्टियां वगैरह चल रही है ना, तो आ जाओ फटाफट। पे क्या हो गया है दिख ही नहीं रहा मुझे तो। ओहो क्या हुआ, सारी देख क्या शीशा खोलना, उधर देखना कहीं मार का। ओ भाई ने फोन आ गया, ओह शिट यार। मैं तो निकली थी मजे से अपना माइलेज टेस्ट करने, लेकिन पूरा मेरा मूड खराब हो गया है। थोड़ी सी बस पेशेंस की बात होती है, थोड़ा रिलैक्स होके चलाइए, इतना जल्दबाजी मत कीजिए पहाड़ों में ना, इतना ओवरटेक वगैरह की इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। देखिए वहाँ पे मतलब क्या जल्दी थी, उन्हें अब आराम से पूरा टाइम बर्बाद करेंगे, दूसरे का भी नुकसान कर दिया, अपना भी नुकसान कर लिया, दोनों की गाड़ियाँ टूट गई, खून हम खून हो गए लोग, मतलब क्या ही बोले इस चीज़ के ऊपर। तो आप सबको यही एडवाइस है कि प्लीज़ स्पीड में रहिए, ओवरटेक मत कीजिए, स्पेशली हिल्स के ऊपर। आज भी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है और ड्राइव कर चुके हैं 353.5 किलोमीटर। भाई अब हम आ चुके हैं बिल्कुल खेतों के बीच में, इतना ज़्यादा सुंदर है ना, ये हमारा रियल इंडिया है, ऐसा है हमारा इंडिया, एकदम ग्रीन, इतना सुंदर सा। इस टाइम तो यहाँ पे ब्यूटी एंजॉय कर रही हूँ, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना, पूरा ग्रीन है। यार इस टाइम पर ना बड़ा जोरों शोरों से कावड़ आ रही है, और सबसे अच्छा ये है कि भगवान जी भी पूरा इनको सपोर्ट करते हैं, बारिश वारिश कर देते हैं ताकि इन लोगों को बिल्कुल परेशानी ना हो। मेहनत तो है इनकी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल लगन है, श्रद्धा है, लेकिन उसकी श्रद्धा में जब भगवान थोड़ा फेवरेबल कंडीशन करता है ना, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा आगे। कल मैंने आपको बताया था कि मैंने अराउंड 250-350 किलोमीटर गाड़ी को चला लिया था। यार सबसे पहली चीज़ बताना चाहती हूँ इस गाड़ी की ड्राइव के बारे में। डस्टबिन में लोग कुछ फेंकते नहीं है, रास्ते में छोड़ देते हैं चीज़ें। अच्छा गाड़ी की ड्राइव बता रही थी मैं आपको, तो भैया हाई क्रॉस की बात करें अगर हम स्पेशली, इसकी ड्राइव सुपर कंफर्टेबल है, आपको बिल्कुल थकावट नहीं होती। मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि मैंने इतना लंबा डिस्टेंस को ट्रैवल किया है। इनफैक्ट फर्दर हम लोग अब फिर से निकल चुके हैं वापस घर जाने के लिए, और बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा कि कोई थकावट है या क्या है, मतलब कंफर्टेबल। अगर ड्राइव आपको चाहिए लॉन्ग डिस्टेंस की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर हाई क्रॉस या फिर हम लोग बोले इनविक्टो भी हमारी बहुत अच्छी चॉइस होने वाली है, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ हमारी मोनोकॉक चेसी के ऊपर बनी है, जो कि लेडर ऑन फ्रेम से काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट। तो वहाँ पर ये दोनों गाड़ियाँ, चाहे हम लोग बात करें हाई क्रॉस की या फिर बात करें इनविक्टो की, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ सेम प्लेटफॉर्म को शेयर कर रही हैं, तो भैया मज़ा आने वाला है। लंबे डिस्टेंस पर इन गाड़ियों को आप बिना सोचे समझे बिल्कुल लेके जा सकते हो, बहुत अच्छी माइलेज भी मिलने वाली, बताऊंगी माइलेज दे कितनी रही है। फ्यूल टैंक का स्टेटस आपको दिखाई जा रही हूँ बीच बीच में, तो आइडिया हो गया होगा कि काफ़ी अच्छी माइलेज आने वाली है, और साथ के साथ बहुत ही ज़बरदस्त हमें कंफर्ट मिलता है, जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है स्पेशली लॉन्ग ड्राइव के ऊपर। चलिए अब हम लोग आ गए हैं जैन शिकंजी पे, शिकंजी पी लूँ फिर आपको आगे लेके चलूँगी, आ जाओ। तो चलिए अब चलते हैं आगे और देखते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस, फाइनल माइलेज टेस्ट को आगे बताएंगे आपको, और बता दूँ आपको अभी तक का हाई क्रॉस का हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। आइए
तो दोस्त अब हो चुके हैं हमारे अराउंड 450 किलोमीटर। एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगी वो है इस कार का कंफर्ट। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल व्हीकल है, इतना ज़्यादा किलोमीटर चलाने के बाद भी कोई थकावट कुछ नहीं होगा आपको। ECVT टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ किया गया है ट्रांसमिशन में, जिसकी वजह से आप बहुत स्मूथ गियर शिफ्टिंग को, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका कौन सा गियर लग रहा है, क्या हो रहा है। इतनी ज़्यादा स्मूथ ड्राइव है, इतनी ज़्यादा कम्फर्टेबल ड्राइव है। बोले ना लोकल लैंग्वेज में, हमारी गाड़ी हमारी मक्खन मलाई जैसी चल रही है। ज़बरदस्त स्मूथनेस के साथ, ज़बरदस्त कंफर्ट के साथ आप इस कार को ड्राइव करते हैं। इस कार को मैंने मिक्स जगहों पे चलाया है, जैसे मैंने इसको सिटी में चलाया है, फिर मैं इसको हाईवे के ऊपर लेके गई, फिर मैं इसको हिल्स में लेके चली गई। तो मैंने अलग 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 जगह पे ले जाके ये जो उसके किलोमीटर्स आपको बता रही हूँ 450 अभी तक चला चुकी हूँ, ये सारा मिक्स है मेरा। स्टेयरिंग की अगर मैं बात करती हूँ, स्टेयरिंग आपको बहुत वेल कनेक्टेड फील होता है, बिल्कुल आपके कंट्रोल में रहता है। यहाँ पर आपको लेदर रैप्ड स्टेयरिंग मिल रहा है, VX वेरिएंट से ही मिलने लग जाता है आपको ये। अब कार के कुछ ऑफ फीचर्स की बात करते हैं। ऑफ मीन जैसे आपका मूड ख़राब होता है, थोड़ा बहुत ज़रूर होने वाला है। यहाँ पे आइए आप सेंटर कंसोल में, आपको स्मार्ट सा इंफोटेनमेंट दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो क्वालिटी मेंटेन की गई है, जो हमारा स्क्रीन का रेजोल्यूशन होना चाहिए था, वो आपको नहीं मिलता। इंस्टेड अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, यहाँ पर आपको बहुत हाई रेजोल्यूशन के साथ स्क्रीन मिलता है, कोई टिंट्स आप फील नहीं करते। आप किसी भी एंगल से देखिए, अच्छा खासा रेजोल्यूशन आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ आप मिस करने वाले हैं। दूसरी एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लगी वो है आपका जो रिवर्स कैमरा है, उसकी जो क्लैरिटी है दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। उसको अच्छा कर सकते थे, उसके बेटरमेंट की ज़रूरत है। तो एक पॉइंट वहाँ पर वो हो गया। तीसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि जो हमारे एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले है, दे शुड बी वायरलेस। अब यार वो टाइम नहीं रहा है कि हम लोग वायर लगा लगा के उनको यूज़ करेंगे, तो वो भी यहाँ पर वायर्ड दिया गया है, जो मुझे अगेन एक ऑफ पॉइंट लगा कार का। एक और पॉइंट है यहाँ पर जिसको हम ऑन पॉइंट भी बोलेंगे या प्लस पॉइंट भी बोलेंगे, और नेगेटिव पॉइंट भी मैं उसको बोलूँगी। जैसे इस कार के अंदर आपको सेंसर्स मिले हैं, अगर आप किसी व्हीकल के पास जाएंगे तो आपका जो 360 डिग्री कैमरा व्यू है वो आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, आपको अलर्ट की तरह पता चल जाता है कि हाँ यार हमारे आसपास कुछ चीज़ें हैं, आपको थोड़ा ध्यान से चलाना है। लेकिन उसको फिर चले जाना चाहिए, अगर व्हीकल आपसे दूर हो गए तो उसको डिसअपियर हो जाना चाहिए और फटाफट होना चाहिए वो काम। सपोज़ आपने नेविगेशन ऑन कर रखा है और मेरा एकदम से यहाँ पे कैमरा ऑन हो गया है, और मैं कुछ एक इमीडिएट टर्न पे थी या किस पे थी, वहाँ पे मेरा कैमरा ऑन हो गया और वो जा ही नहीं रहा है, फिर मुझे खुद से जाके फिर नेविगेशन को सेलेक्ट करके निकलना पड़ रहा है। तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो लैगिंग नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए कि आपका कैमरा ऑन हुआ फिर वो इमीडिएट हट जाए। बाकी कार का AC इज़ इफ़ेक्टिव, बहुत बढ़िया AC दिया गया है इस कार में, आपके पास 2-zone AC है। बाकी कार की ब्रेकिंग बहुत इफ़ेक्टिव है, कार में सस्पेंशन बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। एक चीज़ और है यहाँ पर, जो हमारी जो स्पीड है, जैसे आप अभी मैं एक नॉर्मल स्पीड पे चला रही हूँ तो गाड़ी में आपको कोई भी ऐसा कोई फ्लॉ नहीं लगेगा इसकी ड्राइव में, लेकिन अगर आप एकदम से इसको रेव करते हैं तो गाड़ी थोड़ा ज़ोर लगाती, ज़्यादा RPM लेने लग जाती है वो। तो वहाँ पर इस कार में और इन्विक्टो दोनों में रिकमेंड किया जाएगा कि आप इसको आराम आराम से, अगर इसको आप एक्सेलरेट करेंगे तो बहुत अच्छी ड्राइव को आप इन्जॉय करेंगे। एकदम से इमीडिएट रेव पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लैग फील होने वाला है इसके अंदर, और लैग भी नहीं बोल सकते उसे, हमें लगता है कि गाड़ी थोड़ी जान लगा रही है उस चीज़ को मैच करने के लिए कि हाँ भैया वो पंच मुझे मैच करना है, तो थोड़ी ताकत ज़्यादा लग रही है मेरी, तो वो आप लिटरली फील करते हैं। बाकी अगर हम लोग कार में बात करें तो आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगा टॉप वेरिएंट्स के अंदर, आपको एडास भी मिल जाएगा टॉप के अंदर। ये VX है, जो हम बोले कि हाई क्रॉस का जहाँ से हाइब्रिड का स्टार्ट होता है, VX सबसे बेसिक है इसका, फिर आपका ZX होता है, फिर ZX ऑप्शनल है। ZX ऑप्शनल में आपको मिलता है सनरूफ, VX के अंदर नहीं मिलता है, और एडास भी इसके अंदर मिस है हमारा। इस कार की खासियत अगर मैं बोलूँ, अब ये तो चलो ठीक है यार, ऑटोमन सीट नहीं है और सनरूफ नहीं है, वो काफ़ी लोगों के लिए रिक्वायरमेंट भी नहीं, आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है वो। मेन चीज़ मुझे लगती है जो हाई क्रॉस के अंदर हम लोग बोलेंगे या टोयोटा की कई कार्स के अंदर बोलेंगे कि बहुत प्रैक्टिकल कार्स बनाते हैं ये। इस गाड़ी की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो देखिए, यहाँ पर आपको दोनों साइड पे आपके कप होल्डर्स मिलते हैं, जो बहुत कम कार्स में आपने देखे होंगे। तो यहाँ पर एक बेनिफिट ये है कि बिल्कुल AC के पास है, तो आपका कूल डाउन रहेगा, वो ठंडा रहेगा, और दूसरा ये है कि बहुत ईजी टू ऑपरेट है। तो ये भी मुझे चीज़ बहुत प्रैक्टिकल लगती है, जो बहुत डेली यूज़ में अगर आप देखेंगे तो बहुत काम की चीज़ है। और भैया इस टाइम पर क्या बारिश हो रही है, पूरा ट्रिप मैंने बोला ना, मैंने हर तरीके से इन्जॉय कर लिया इसे, सिटी में, पहाड़ों में, हाईवे के ऊपर, बारिश के अंदर, कड़कती धूप के अंदर, मज़ा आ गया। और बहुत गाड़ी की ग्रिप, एवरीथिंग मार्वलस।
चलिए जी, अब हमारी ट्रिप ऑलमोस्ट हो चुकी है ख़त्म और अब कराते हैं फ्यूल को, टैंक को फुल, और फिर चेक करते हैं भैया कि कितनी हमें इस कार ने माइलेज दी है। और हम लोग 560 किलोमीटर चला चुके हैं गाड़ी को, चलो देखते हैं फुल करा के पता चलेगा। भैया फुल कर देना ऑटो कट तक, ठीक है? पेट्रोल, हाँ जब से पेट्रोल महंगा हुआ है ना भाई, मीटर ऐसे भागता है इतनी स्पीड से, नीचे के नंबर इतनी धीरे चल रहे हैं, ऊपर के इतनी तेज। 9 लीटर 900 रुपये का, 10 लीटर 1000 रुपये का। सिंपल सी कैलकुलेशन है, 96.72 इज़ द रेट। तुझे क्या लग रहा है कितने में फुल होगी ये? 4000 में? भैया ने गेस कर लिया, 4500 रुपये में फुल हो जाएगी। चलो आपका एक्सपीरियंस देखते हैं कितने। 3274 रुपये, हाँ ठीक है। ऑटो कटी भैया 3274.93। यार 34 लीटर पेट्रोल अभी आया है इसके अंदर, अराउंड 3300 रुपये के अंदर। तो ये हमारी चली है 560.3 और इसको डिवाइड करते हैं 33.6 से, 16.67 की माइलेज है। यार ये तो कम है, लेकिन यार मुझे दिख तो बड़ी ज़्यादा रही थी। 16 की एवरेज में हम 560 किलोमीटर के अप्रॉक्स चले हैं, 16.67 तो ऑलमोस्ट हम 17 मान लेते हैं। जहाँ पे मैंने मिक्स्ड यूज़ किया है रोड का, कहीं पे मैंने रोड पे चलाई है नॉर्मल सिटी के अंदर, कहीं हाईवे के ऊपर, कभी हिल्स के अंदर, तो इसलिए इतनी एवरेज आई है। मुझे लग रहा है ज़्यादा आनी चाहिए थी, और जो इस गाड़ी के लिए है ना कि ये सिटी में आपको ज़्यादा माइलेज देगी, तो वो मुझे लगता है कि हाँ यार वो बात ठीक है, सिटी के अंदर आपको ज़्यादा माइलेज मिलनी चाहिए, अराउंड 20 आपको मिलेगी। तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी इस कार की परफॉर्मेंस, 17 आपको ठीक लग रही है, या आपके पास अगर हाई क्रॉस है आप सिटी में कितनी निकाल रहे हो, या फिर जो इसके बारे में बोला जा रहा है, जो मैंने भी देखा है यार, मतलब मेरे को बहुत अच्छा खासा फ्यूल का दिख रहा था स्टेटस, इतना ज़्यादा ख़त्म नहीं होता, मुझे लग रहा था कि यार 19-20 तो इसको देना चाहिए था, 17 की दे रही है, नॉट बैड, अच्छी खासी है, पुरानी वाली से तो अच्छी है। चलिए आप बताना मुझे, अगर आपके पास हाई क्रॉस है तो आपकी गाड़ी कितना दे रही है, और अगर सिटी में चला रहे हो, प्योर सिटी के अंदर चलाते हो, तो आपको कितना माइलेज देती है। तो चलिए अब कीजिए आप सब रेस्ट, अब करती हूँ मैं भी रेस्ट, फिर मिलेंगे दोबारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए, और अगर हाई क्रॉस प्लान कर रहे हो तो ZX और ZX ऑप्शनल तो भैया आजकल मिल नहीं रही है, उसकी ऑफिशियल बुकिंग है नहीं। VX हमारे पास है, आप उसको ख़रीद सकते हो। और अब इसकी ड्राइव के बाद मैं आपको इन्विक्टो की ड्राइव दिखाऊंगी, और उस पर बात करेंगे कि उस गाड़ी की ड्राइव आपको कितनी अच्छी लगती है। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ही सब कुछ सेम किया है, ड्राइव में भी सब कुछ सेम किया है, कुछ बदलने की कोशिश की है वैसे मुझे तो पहले से पता, लेकिन आपको बताऊँगी कल, ठीक है? बाय।